हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आजकल सारी जो एग्ज़ाम है, स्कूल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, वो सारे ही ऑनलाइन हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम जिस प्लेटफॉर्म से लिया जा रहा है, वो टीम्स के थ्रू, टीम एप्स के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के थ्रू ले जा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में जो अपने पेपर्स बनाए हैं, गलती से अगर वो पेपर डिलीट हो जाए, क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हम जल्दबाजी में कभी कभी वो पेपर डिलीट कर देते हैं या वो फाइल डिलीट कर देते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने डिलीटेड क्वेश्चन पेपर को या डिलीटेड जो असाइनमेंट है या डिलीटेड क्यूज़ है, कुछ भी है, उसको आप किस प्रकार से रिस्टोर कर सकते हो, ये आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए, इसके लिए हम चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए, इसके लिए मैं अपने फॉर्म्स पे यानी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड टॉप के ऊपर जो थ्री डॉट दिख रही है उसको आप क्लिक करके इसको पहले आप डेस्कटॉप साइट मोड पे लेके आएंगे। देखिए, डेस्कटॉप साइट लिखा, इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्म पड़े हुए हैं, मतलब एक जिस पे पाइथन टेस्ट लिखा है और एक अनटाइटल्ड क्यूज लिखा है। इसमें से मैं एक को भी डिलीट करके आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पाइथन वाला है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट और कंटिन्यू, अभी होगा डिलीट। अब मेरे पास यहाँ पे एक ही फॉर्म आपको दिख रहा होगा, एक ही पेपर दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो पेपर तो चाहिए था, क्योंकि वो तो मेरा ज़रूरी पेपर था। अब मुझे वो कैसे वापस लाना, इसके लिए देखिए मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ देखिए, राइट हैंड बॉटम के ऊपर एक आइकन बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको, ये लास्ट में यहाँ पे एक रिसाइकल बिन का आइकन दिख रहा है। उस रिसाइकल बिन वाला जो आपको आइकन दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे, तो आप रिसाइकल बिन में पहुँच जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, ये सारे डिलीटेड फॉर्म्स है, या कह सकते हैं सारे डिलीटेड ये जो पेपर्स थे वो है जो मैंने डिलीट कर रखे हैं। अब मुझे इसमें पाइथन टेस्ट मिल चुका है, जो मैंने अभी डिलीट किया वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए, इस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको धीरे से टैप करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक रीस्टोर करके एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए रीस्टोर। अब मैं रीस्टोर को क्लिक कर दूँगा तो देखिए ये यहाँ पर यहाँ से अब जा चुका है, ये फॉर्म जो मेरे डिलीटेड फॉर्म वाला पोर्शन था, यहाँ से वो जो फॉर्म है वो जा चुका। मुझे कहाँ मिलेगा, वो मेरे फॉर्म्स पर मिलेगा। तो मैं फॉर्म को क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म को क्लिक करा, देखिए ये वाला पाइथन टेस्ट आ चुका है। देखिए, वापस मेरे पास ये दोनों फॉर्म है, इसमें से एक को मैंने डिलीट कर दिया था, मैंने वापस लेके आ गए। तो ये छोटा सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने डिलीटेड फॉर्म को वापस ला सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। अगर कभी भगवान न करे आपका कोई पेपर डिलीट हो जाए, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके आप आसानी से अपने पेपर को रिस्टोर कर सकते हो।